एक नई वीडियो में आपका बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है, जो काफी हेल्पफुल होने वाली है। भी इसे लाइक करेंगे, इस चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही में बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजू और आप देख रहे हैं टेक्निक राजकुमार। तो दोस्तों, यूट्यूब टिप्स या टेक ट्रेंड किसी क्वेश्चन से परेशान तो दीजिए इस चैनल पर ध्यान। अभी तक आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर फॉलो कर सकते हैं। आपके पास कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो अगर आपने इसे लिंक नहीं किया और टीडीएस चार्ज जो है यहाँ पे डबल देना पड़ सकता है, या तो इसे आप कैसे चेक कर सकते हैं, चलिए बिना टाइम को इसकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पैन कार्ड लिंक है या नहीं है कैसे पता करेंगे, उसके लिए उसमें आप किसी ब्राउजर को ओपन कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे मैं क्रोम ब्राउजर का इस्तेमाल करने वाला हूँ, ओपन कर लिया। देन यहाँ सर्च बार में टाइप करेंगे टैक्स इनकम। जैसे ही सर्च, तो यहाँ पे आपको इस तरह का इंटरफेस मिल जाता है, देख सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं पहला वेबसाइट आपको मिल जाता है टैक्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जो कि www.incometax.gov का है। तो इसके ऊपर ही हमें टाइप कर देना होगा। टाइप करने से पहले दोस्तों क्या है कि यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके इसे आप जो है डेस्कटॉप साइट पे कर लेंगे, ताकि आपको अच्छे से सब कुछ नजर आए। और मैंने ऑलरेडी कर रखा है, अगर आप पे नहीं है तो आप डेस्कटॉप साइट पे कर लेंगे, ताकि आपको लैपटॉप और कंप्यूटर की तरह यहाँ पे आपको दिखने वाला। तो इस तरह से आप यहाँ आपको दिखेगा। एंड यहाँ पे न्यू टैक्स विच ओल्ड टैक्स रेट रेगिंग देख सकते हैं, क्विक लिंक यहाँ पे मिल जाता है। दोस्तों करना कि हमारा जो है आधार कार्ड जो है पैन कार्ड से लिंक है या नहीं है, तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे लिंक आधार स्टेटस यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा जूम आउट कर दिया। लिंक आधार स्टेटस हमें तो इसके ऊपर टाइप करना है। जैसे हम टाइप करेंगे यहाँ पे जो एक नया पेज कुछ इस तरह से ओपन हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं लिंक आधार स्टेटस, यहाँ पे आपको मिल जाता है इंटर द फ्लोइंग डिटेल यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे पैन मिल जाता है, देन इसके नीचे आपको आधार नंबर मिल जाता है। तो यहाँ पे ऊपर वाले में आपको पैन नंबर डालना है, इसके नीचे आपको आधार नंबर इंटर करना है। तो चलिए मैं फटाफट फिलअप कर देता हूँ। इंटर करने के बाद दोस्तों क्या करना है, अब यहाँ पे आपको देख सकते हैं राइट साइड में आपको देखने को मिल जाता है ब्लू कलर में बीव लिंक आधार स्टेटस, तो हमें इसके ऊपर टैप कर देना है। जैसे ही टैप करेंगे तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं पॉप नोटिफिकेशन में इस तरह से आपको शो हो जाता है, जहाँ पे देख सकते हैं योर पैन इतना इज ऑलरेडी लिंक टू गिव आधार नंबर। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं ये ऑलरेडी लिंक है। तो इस तरह से आप जो अपने पैन नंबर का पता कर सकते हैं कि आपस में लिंक है या नहीं है। अगर नहीं है लिंक तो आप उसे किस तरह से लिंक कर सकते हैं, अगर आप कमेंट करते हैं तो इसके ऊपर आपको एक नया वीडियो देखने को मिल जाएगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि आप कैसे जो है लिंक करेंगे। आपका पैन कार्ड अगर 2017 से पहले बना हुआ है तो यहाँ पे आपको 1000 चार्ज देना पड़ जाएगा। अगर 2017 के बाद बना है तो यहाँ पे आप जो है फ्री ऑफ कॉस्ट लिंक कर सकते हो, भी ऑनलाइन ये आपका हफ्ते दिन के अंदर आपका लिंक हो जाएगा। और भी यहाँ पे बहुत सारी जानकारियां दी हुई जिसे आप जो है चेक कर सकते हैं, जैसे इंस्टेंट ई पैन है। आप अगर ये पैन कार्ड को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप जो है डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ चुकी है। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना है, जल्दी मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।